सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी ये अपथ्रश ईस्पोर्ट्स के टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का डे 3 था, जो कि अभी खत्म हो गया है। बाकी टीम सोल की रैंकिंग अभी #7 पे चल रही है विथ 100 पॉइंट के साथ। एंड जो स्काई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट का अपडेट है, जो टीम सोल की रैंकिंग एंड जो मैचेस है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो आपको वो वीडियो का लिंक ये वीडियो के एंड में मिल जाएगा, सो वेट कर लेना एंड जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो में टीम सोल का #2 with 14 finishes वाला मैच आपको देखने को मिलने वाला है, और जहां पे गॉबलिन ने 1v3 किया था टीम एक्सपाक को। एंड आई थिंक सोलो 6 से 7 finishes था गॉबलिन का। और बस अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। एंड चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, जो हमारा सब्सक्राइबर गोल है वो है 56k सब्सक्राइबर 1 week के अंदर। एंड आज day 3 है, सो चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना 1 week के अंदर, कैसे भी हमें 56k सब्सक्राइबर करना है। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। लेकिन आप फाइट की बात करें, पुचिंकी के नीचे कुछ फाइट्स होने के चांसेस होंगे। जी हाँ, एक्सपाक वर्सेस टीम सोल, हेक्टर को फिलहाल वहां पे नॉक और समाप्त भी कर दिया जाएगा। गॉब्लिन जाएंगे, स्काउट को डाउन करेंगे, सारंग को भी डाउन करेंगे, आदित्य को भी डाउन करेंगे। टीम सोल के गॉब्लिन अकेले ही एक्सपाक के ऊपर भारी पड़ते हुए एक 1v3 किया गया। पलक झपकते ही एक्सपाक को बाहर का रास्ता दिखाते हुए नियो का साथ जरूर से वहां मिला है, लेकिन गॉब्लिन अकेले ही एक्सपाक को इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे क्योंकि लूट की हम बात कर रहे थे। गैस फार्म पे उतरती है, फार्म से थोड़ा सा इस तरफ अगर आप बात करें पहले इरांगल के मुकाबले की, वहां पे भी हमें टीम नजर आई थी पार्क के आसपास एनिग्मा। ओ गॉब्लिन एक बार एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे, कॉमराज को किया है डाउन। गमला बॉय है पास में, क्या गमला बॉय को चेज करने जाएंगे? नहीं, गमला बॉय अभी काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है। गॉब्लिन गॉडलिन मोड पे जाते हुए, 4 frags आ चुके हैं, शुरुआत हुई है, मात्र 2 मिनट हुए हैं अभी गेम के, और गॉब्लिन एक और फ्राग निकालते हैं। लेकिन इनके 2 खिलाड़ी नुकसान झेल चुके हैं। रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के एमजी भी डाउन होते हुए कंफर्म, टीम सोल द्वारा रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स में होता हुआ। नियो एंड गॉब्लिन ग्रेनेड परेड स्टार्ट कर चुके हैं, काफी सारे अंक, काफी सारे फ्राग निकाल रहे हैं, और अभी भी एक्टर भले ही फिनिश हो गए लेकिन अभी भी 3 खिलाड़ी टस से मस नहीं हो रहे हैं। सर्कल के अंदर फोकस है, बीच में जितनी भी टीम्स आ रही हैं सबको तहस नहस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो दादा, लेकिन टीम सोल के गॉब्लिन वो भी कहां चूकने वाले थे। एक खिलाड़ी को स्पॉट किया गया, जो नॉक थे उन्हें समाप्त किया जाएगा, और अब स्लामिन भी आता हुआ टीम सोल के खिलाड़ियों के ऊपर। बिग ब्रदर वो टाइम चाह रहे थे, वो मौका चाह रहे थे कि उन्हें वो कमबैक करने का, वो रिकवर करने का समय मिल सके, लेकिन टीम सोल मुझे लगता है मौका देंगे नहीं। एक और ग्रेनेड वहां पे जाता हुआ, कनेक्शन अगर बनता है डिफिकल्ट हो सकता है। ऑलरेडी आउट नंबर है बिग ब्रदर, 3v2 का ये सिचुएशन होगा। गॉब्लिन मल्टीपल ग्रेनेड्स यहाँ पे करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो एक बेहतर कनेक्शन की गुंजाइश है वो अभी तक मिला नहीं है। ये डैमेज तो जरूर देगा, लेकिन इनफ तो नहीं था नॉकआउट करने के लिए। लेकिन फाइनली नियो का वो ग्रेनेड उस माकी को टेक डाउन करने में कामयाब। टीम बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स इस मुकाबले से बाहर, टीम सोल एक एक करके टीमों को बाहर का रास्ता दिखा। टीम्स की, बाकी टीम के खिलाड़ियों की 6 frags और एक और, वन मोर इन लाइन। गॉब्लिन गॉडलिन मोड में जाते हुए ये खिलाड़ी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट ही स्टेप्ड इनटू द बैटलफील्ड, द वेरी मोमेंट ही कोच रेवेंज की बात की जाए, वो ग्रेनेड जाएगा, काफी अच्छा कनेक्शन। सुपर बॉय को भी डाउन करेंगे वहां पे, आई जेल और मल्टीपल ग्रेनेड्स अब बात करें यहां से थ्रो करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच यहां पे आप देखें फाइट जो फिनिश फील्ड है वो रुकने का नाम लेता नहीं। रिवेंज भी अपने कुछ खिलाड़ियों के यहाँ पे गवारे, चौगॉट को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा गॉब्लिन के ग्रेनेड से। नियो का ग्रेनेड चौगॉट को समाप्त करेगा, एक और ग्रेनेड, मल्टीपल ग्रेनेड्स वहाँ पे उस तरफ जाएगा, और इसी के कारण टीम साइकी स्पोर्ट्स को भी इस मुकाबले से बाहर होना पड़ा। 8वां फिनिश पॉइंट टीम सोल के गॉब्लिन के पास, और इसी के साथ मुझे लग रहा है उस चिकन डिनर की सबसे अच्छी दावेदारी इनके पास आ चुकी है। लेकिन अब बैटल है 2 टीमों के बीच में, ग्लोबल कर चुके हैं। गॉब्लिन भले ही फिनिश हो गए लेकिन गॉब्लिन अपना काम करके गए हैं। कैंपर आईजीएल ओमेगा नजर आते हुए दूसरी तरफ है, मैं उडॉन मॉली है सामने, पता चल चुका है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को कि अब 2 खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा जा सकता है। लेकिन संभल के, ये टीम सोल है,
ये टीम सोल आपको किसी भी वक्त एलिमिनेट कर सकती है। ये टीम एक पहाड़ की तरह है और इस पहाड़ के ऊपर फतह करने के लिए आपको हर कदम फूंक के रखना पड़ेगा, हर कदम आपको चतुराई से चौकन्ना होके रखना पड़ेगा, वरना अगर एक बार पैर फिसला तो फिर टीम सोल आपको एलिमिनेट कर देगी और चिकन डिनर के 15 पॉइंट का स्वाद चखने नहीं देगी। बट ये वी गो एग्जैक्टली काफी अच्छा शॉट यहाँ पे निकाला जा चुका है, न्यू को फिलहाल टेक डाउन कर चुके हैं, सीधा जाएंगे व्हीकल से समाप्त करेंगे। बाकी आपको टीम सोल का ये 14 फिनिशेस वाला मैच कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड अगर आपने स्काई स्पोर्ट्स वाला मैच नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड जाके चेकआउट कर सकते हो डे 3 का, वो भी आज का। तो बस ये था आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़ फोड़ के साथ। तब तक अगले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। एंड चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना।